वाले में, ठीक है। ए मैन इज स्लीपिंग फ्रॉम ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। चलो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, उसे एक मैन स्लीप कर रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पर एक आदमी है और वो स्लीप कर रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली वो स्लीप कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है उसके पैर ऐसे, ठीक है। उसका शरीर यहाँ पर आएगा और ऐसा कुछ वो स्लीप कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब नीचे आएगा यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी बी एम है, वेलोसिटी ऑफ मैन बी एम है, और ये हाइट में एच ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जब आदमी यहाँ स्लिप करेगा स्मूथ सरफेस पे तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बी एम होगा। अब ये कहता है वेलोसिटी एंड ए बैक फॉल डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, उसी टाइम जिस टाइम ये स्लिपिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है, जिस टाइम ये स्लिपिंग करना स्टार्ट किया है उसी टाइम पे मैंने यहाँ से एक बॉडी गिरा दिया, मतलब एक बैग ड्रॉप कर दिया। t इक्वल टू जीरो पर ये भी गिराया गया, t इक्वल टू जीरो पर ये भी। तो जो बैग आएगा या जो बॉडी आएगी वो उसकी वेलोसिटी बी बी है। तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है, बी एम और बी बी में रिलेशन निकालना। आपको पता है कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी बाय द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो अगर यहाँ एच हाइट से दोनों गिरते हैं तो दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दोनों की यू इक्वल टू दोनों के लिए जीरो है। इस ए भी जीरो से चला था, ए भी जीरो से चला था, तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है बेस पे उतना ही काइनेटिक एनर्जी दिखेगी, मतलब जितनी दोनों की, ठीक है। बट ए मैन स्लीप एंड फ्रिक्शन बैक फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है। तो अब ये ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा अगर मासेस सेम है दोनों का तो वेलोसिटी भी सेम होगा, नहीं तो आप एस इक्वल टू यू टी लगा दो वर्टिकल में दोनों के लिए। चलो मैन के लिए मैं लगाता हूँ जब मैन यहाँ से इधर आएगा तो s इज इक्वल टू मुझे क्या है वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या लगाऊँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूँ, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस वाई एक्सिस में लगा देते हैं, क्लियर है, बराबर है। तो वाई एक्सिस में लगाते हैं यार, तो वाई एक्सिस में अगर मैं लगाऊँ इसको, ये वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। तो वाई एक्सिस में हमें मैन की फाइनल वेलोसिटी बी एम हो गई यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि जब ग्राउंड पे होगा और ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, दैट इज टू और जी, और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी जो आ जाएगा दैट इज वेलोसिटी, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हूँ तो ये दोनों पॉजिटिव आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन इज इक्वल टू टू जी एच अंडर रूट। और यही वेलोसिटी, या नहीं तो आप इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व भी करा सकते हैं, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो बॉटम पे वेलोसिटी बी इज इक्वल टू टू जी एच अंडर रूट, दोनों से सेम इक्वेशन आएगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी आदमी की वहाँ काइनेटिक एनर्जी दिखेगी। दोनों से थर्ड इक्वेशन अनुसार एनर्जी कंजर्व कराओ, दोनों से सेम रिजल्ट मिल गया हमें। चलो अब बात करते हैं इस बॉल की, जब बॉल गिराया गया उसका वर्टिकल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टू एस, वर्टिकल में लगाओ। वर्टिकल में इसकी इनिशियल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, टू जी एच नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हूँ, तो वेलोसिटी या बी इज इक्वल टू टू जी एच अंडर रूट। देखो तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या आ गई, इक्वल आ गई, द बोथ मैन एंड बॉल हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो